इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे लोड कर्व और लोड ड्यूरेशन कर्व, साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स था, फार्मूले थे, इसके बारे में हमने पढ़ा था, अध्ययन किया था। अब उसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है जिसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, ये बोलना क्या चाह रहे हैं। अ जनरेटिंग स्टेशन हैज़ अ फॉलोइंग डेली लोड साइकिल। एक जनरेटिंग स्टेशन का लोड साइकिल आपको दिया गया है, इसमें ये इसका टाइम दिया है और ये है आपका लोड, कि उस पर्टिकुलर टाइम पे लोड कितना आवर्स था। अब इसके आधार पे अपने को क्या बनाना पड़ेगा, लोड कर्व रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और उसी लोड कर्व के आधार पे आपका बनेगा लोड ड्यूरेशन कर्व, जिसको हम लोग सिंप्लीफाई करके बनाएंगे, उसके घटते क्रम में व्यवस्थित कर देंगे जब उस लोड कर्व को, तो अपना बन जाएगा लोड ड्यूरेशन कर्व। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है आपका जनरेटिंग स्टेशन का डेली लोड साइकिल आपको रिप्रेजेंट किया गया है ना। ड्रा द लोड कर्व एंड फाइंड, लोड कर्व आपको सबसे पहले बनाना है और निकालना क्या है आपको, मैक्सिमम डिमांड, अधिकतम मांग, यूनिट जनरेटेड पर डे, कि एक दिन में कितना यूनिट जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, एवरेज लोड कितना होगा 24 आवर्स का, और इसका लोड फैक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका कैलकुलेशन निकालेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा लोड कर्व। अब लोड कर्व कैसे बनेगा, इसके लिए आपको फिर से वापस देखना पड़ेगा इस न्यूमेरिकल को। ठीक है, अब ये जो है आपको टाइम जो दिया हुआ है 0 से लेके 6 बजे तक, 0 मतलब रात के 12 बजे, आपको ध्यान रखना है 0 लिखा रहता है या 24 आवर्स लिखा रहता है, 24 लिखा हुआ होता है ना, तो वो आपका रात के 12 बजे से स्टार्ट होगा 0 से सवेरे के 6 बजे तक। ये कितना मेगावाट था आपका लोड, 40 मेगावाट, मतलब टोटल अगर इसका टाइम ड्यूरेशन निकालेंगे 0 से लेकर 6 बजे तक, मीन्स 6 घंटे इसका कितना मेगावाट था, 40 मेगावाट था। ठीक है, अब 6 से लेके 10 बजे तक, 6 से लेके 10 बजे तक मतलब टोटल कितने घंटा हो गया आपका, 4 घंटा। उस 4 घंटे में आपका लोड डिमांड था कितना, 50 मेगावाट का। ठीक है, अब फिर 10 से लेके 12 बजे तक कितना घंटा हुआ आपके पास, 2 घंटा। ठीक है, 2 घंटा आपका जो लोड डिमांड था कितना है, 60 मेगावाट का। ऐसी जो 12 से लेके 16 तक मतलब 4 घंटा, ठीक है, 4 घंटा आपका फिर से लोड डिमांड हो गया 50 मेगावाट। 16 से लेके 20 कितना घंटा हो गया, 4 घंटा, ये कितना था, 70 मेगावाट। अब इसके बाद 20 से लेके 24, ये फिर से 4 घंटा और आपका लोड डिमांड है 40 मेगावाट का। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास टोटल टाइम जो है आ गया। ठीक है, तो अगर आप एग्जैक्ट इसका यूनिट जनरेटेड पर डे आप निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, 6 घंटे 40 मेगावाट, इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे तो इसका निकल जाएगा प्लस 50 घंटे 4 मेगावाट प्लस 2 × 60 प्लस 4 × 50 प्लस 4 × 70 प्लस 4 × 40। मीन्स आपको सीधा सीधा करना क्या है, जो लोड है उसको उस टाइम से मल्टीप्लाइड करके सभी जितने भी लोड है उससे जुड़े हुए उसको आपको जोड़ देना है, तो उससे क्या निकल जाता है आपका यूनिट जनरेटेड पर डे। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है डेली लोड कर्व की, क्योंकि वो अगर बन जाएगा तो उससे ये सब कैलकुलेशन आसान हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा है ना, तो ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ के लिए आपको टाइम स्लॉट लेना पड़ेगा। तो ये जो टाइम स्लॉट है ये आप अपने सहूलियत के हिसाब से ले सकते हैं, चाहे तो आप एक एक के अंतराल में ले सकते हैं, मीन्स ये जो आपका डिवीज़न है 0 से लेके 2, 2 से लेके 4, 4 से 6, 6 से 8, 10 12, 14 16, तो ये जो आपका टाइम अंतराल लिया गया है ये हमने लिया है 2 आवर्स का। ठीक है, आप चाहे तो आप एक एक घंटे के अंतराल में उसको ले सकते हैं 1 2 3 4 करके, तो इसको आपको टोटल 24 तक आपको लेके जाना पड़ेगा। चाहे तो आप इसको 4 का कर सकते हैं, 0 से लेके 4, 4 से लेके 8, 8 से 16, इस तरीके का। ये जो टाइम स्लॉट होता है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। साथ ही साथ ये जो आपका लोड है इसको हमने 10 10 के स्लॉट पर लिया है, चाहे तो आप इसको 5 5 के स्लॉट में ले सकते हैं,
5, 10, 15, 20, 25, अगर आप 5 के ग्राफ में करेंगे तो ये हाइट जो है इसका फिर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बेटर है 10 10 के उसमें लेंगे। तो आपको जैसे कि उसके थ्योरी में आपको दिया गया था कि 0 से लेके 6 बजे तक, मतलब 6 घंटे आपके पास दिया हुआ है 40 मेगावाट, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 40 मेगावाट का जो लोड डिमांड था 0 से लेके 6 बजे तक, ठीक है। तो ये 40 मेगावाट था, तो आपको ये रिप्रेजेंट कर देना है ये 0 से लेके 6 बजे तक 40 मेगावाट, ठीक है। अब इसके बाद है 6 से लेके 10 बजे तक, ठीक है। तो ये 6 से लेके 10 बजे तक मतलब 4 घंटे आपके पास था 50 मेगावाट, ठीक है। क्वेश्चन को देख के आपको समझना है। फिर उसके बाद था आपका 10 से लेके 12 बजे तक आपका डिमांड था 60 मेगावाट का, तो हमने 10 से 12 के बीच बना दिया 60। फिर 12 से लेके 16 तक 4 घंटे का जो है अधिकतम जो डिमांड था इसमें दिया गया था, फिर से आपको दिया गया था 50 मेगावाट। तो ये आपको लाइन इधर से देखना है, 50 वाला लाइन है तो आप 50 में आप ले वापिस आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद था 16 से लेके 20 तक 70 मेगावाट, तो ये जो है आपका ये आपका 16 है और ये आपका 20 है ना। 4 घंटे आपको कितना मेगावाट रिप्रेजेंट करना है, 70 मेगावाट का, तो ये 70 में चला जाएगा, है ना। इसके बाद फिर आपका 20 से लेके 24 बजे तक, ठीक है। तो ये 20 से लेके ये 24 तक कितना मेगावाट आ गया, फिर से आपका 40 मेगावाट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है इसके डिमांड के आधार पे, ठीक है। जैसे ही था 0 से लेके 6 तक, है ना, 0 से लेके 6 बजे तक 40 मेगावाट, तो आपको इसमें रिप्रेजेंट कर देना है 0 से लेके 6 बजे तक 40 मेगावाट, है ना। फिर 6 से लेके 10 बजे तक जैसे आप इसमें देखेंगे तो 6 से लेके 10 बजे तक ये जो है आपका 50 मेगावाट है ना। तो ये फिर से आप देखेंगे 6 से लेके 10 बजे तक 50 मेगावाट का है, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये आपका जो लोड डिमांड है उसके आधार पर मीन्स टाइम और लोड के आधार पे आपको ग्राफ बना लेना है, ठीक है। तो ये जो आपका बना है ये है आपका लोड कर्व, ठीक है। अब इसमें से आपको निकालना क्या है, मैक्सिमम डिमांड, अधिकतम डिमांड कैसे निकलेगा। तो इसमें से हम लोग देखेंगे ग्राफ से सबका जो हाईएस्ट डिमांड है वो कितना मेगावाट है, 70 मेगावाट, ठीक है। तो सीधा सीधा आपको इस ग्राफ से देख के निकाल लेना है कि सबसे हाईएस्ट डिमांड होगा वही कहलाएगा मैक्सिमम डिमांड, तो ये 70 मेगावाट का निकल गया। अब यूनिट जनरेटेड पर डे, तो इसका आपके पास दो फार्मूला है, चाहे तो आप ये जो आपने ग्राफ बनाया है आप यहाँ से निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जैसे आपने वो बताया था मैं यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं कि सीधा सीधा इसको क्या करना है, 0 से लेके 6 मीन्स 6 आवर्स कितना मेगावाट था, 40 मेगावाट, तो 40 गुना 6 कर देंगे प्लस 6 से लेके 10 बजे तक कितना मेगावाट आ गया, कितना टाइम हो गया, 4 घंटा, 4 घंटा कितना मेगावाट जला आपके पास, 50 मेगावाट खपत हुआ, तो 4 गुना 50 प्लस 10 से लेके 12 मतलब 2 घंटा, 2 घंटा कितना मेगावाट, 60 मेगावाट, फिर 12 से लेके 16 मतलब 4 घंटा, 4 घंटा कितना मेगावाट खपत हुआ आपके पास, 50 मेगावाट। तो उस सब को क्या करते जाना है, आपको जोड़ते जाना है, ठीक है। तो यही चीज़ है, यहाँ पे आप इस ग्राफ के थ्रू ले सकते हैं 40 गुना 6, ठीक है। तो 40 मेगावाट था 6 घंटे, 50 मेगावाट था 4 घंटे, 60 मेगावाट था 2 घंटे, 50 मेगावाट था 4 घंटा, 70 मेगावाट था 4 घंटा और 40 मेगावाट था लास्ट में 4 घंटा। अब सबको मल्टीप्लाई करके आप जोड़ेंगे तो 1200 मेगावाट आवर्स, ठीक है, ये इसका यूनिट जनरेटेड पर डे निकल जाएगा। तो ये मेगावाट में है, अगर आपको किलोवाट में करना है तो इसको 10^3 किलोवाट आवर्स कर देंगे तो ये निकल जाएगा 12 × 10^5 किलोवाट आवर्स, ठीक है। अब आपको निकालना है एवरेज लोड, तो एवरेज लोड निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यूनिट जनरेटेड पर डे डिवाइड बाय 24 आवर्स, ठीक है।
तो यूनिट जनरेटेड पर डे आपको दिया हुआ है 1200 मेगावाट हमने निकाला है, मेगावाट आवर्स डिवाइड बाय 24 आवर्स, तो आवर्स आवर्स पड़ जाएगा, तो आपके पास एवरेज लोड बच जाएगा 50 मेगावाट का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एवरेज लोड निकाल सकते हैं। अब अपने को निकालना है लोड फैक्टर, तो लोड फैक्टर के लिए आपके पास फार्मूला होता है एवरेज लोड डिवाइड बाई मैक्सिमम डिमांड। तो एवरेज लोड आपके पास निकल रहा है 50 मेगावाट का, ये हमने फार्मूले से निकाला है, और मैक्सिमम डिमांड था हमारा 70 मेगावाट। तो इस तरीके से ये निकल रहा है 0.714, तो इसको परसेंट में अगर आप निकालेंगे तो 71.4% ये इसका लोड फैक्टर है। तो इस तरीके से एक सिंपल न्यूमेरिकल होता है जो आता है एग्ज़ाम में, तो ये इस टाइप का जो न्यूमेरिकल है इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल है इसी पे बेस्ड, एक शक्ति उत्पादन केंद्र का दैनिक भार वक्र निम्नलिखित है। तो समय और भार आपको दिया हुआ है, टाइम और लोड आपको दिया गया है। इसके लिए आपको क्या बनाना है, भार वक्र ग्राफ खींचना है और भार अवधि ग्राफ मीन्स आपको लोड कर्व और लोड ड्यूरेशन कर्व बनाना है, और ऊर्जा उत्पादन प्रतिदिन ज्ञात कीजिए मीन्स पर डे प्रति आवर्स जो है कितना एवरेज जो उत्पादन हो रहा है, है ना, यूनिट जनरेटेड पर डे ये आपको निकालना है। तो जैसे कि आप न्यूमेरिकल में देख रहे हैं, आप यहीं से देख सकते हैं 6 से लेके 8 बजे तक ये आपके पास दिया हुआ है 20 मेगावाट का। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट ऐसा 6 से स्टार्ट नहीं करना है, तो इसके लिए आपका सबसे बेस्ट क्या है, सबसे पहले अपना टाइम स्लॉट हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। तो हमने जो यहाँ पे लिया हुआ है टाइम, ये 4-4 घंटे का टाइम स्लॉट हमने ले लिया, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24। ठीक है, ऐसे हमने लोड के लिए ले लिया 10-10 मेगावाट के डिफरेंस पे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये आपको यहाँ से देख करके लेना है कि आपका मैक्सिमम डिमांड कितना है, और उसके आधार पे आप इसको ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ से ध्यान देना है कि 6 से लेके 8 बजे तक, 6 से लेके 8 बजे मीन्स आपको 2 घंटा। ठीक है, 2 घंटा कितना मेगावाट आपको रिप्रेजेंट करना है, 20 मेगावाट। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें आपका पीछे से स्टार्ट है, आपको इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। 24 ये जो है आपका स्टार्ट हुआ है 6 से लेके 8 बजे तक। जनरली सामान्यतः जो क्वेश्चन होता है वो 0 से स्टार्ट आपको दिया रहता है। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन में आपको 0 से स्टार्टिंग नहीं दिया रहेगा उसमें आपको पीछे साइड देख लेना है कि वो जो लास्ट हो सकता है लास्ट में उसका जो है दिया हो, है ना। 24 to 6, 24 मतलब आप मान लीजिए उसको 0, है ना, 24 मतलब 0 आवर्स रात के 12 बजे। ठीक है, तो ये आपको पीछे से स्टार्ट करना है। तो 24 से लेके 6 बजे तक आपको दिया हुआ 20 मेगावाट, है ना, तो ये 6 घंटा ये हो गया 12 से रात को 12 बजे से सवेरे के 6 बजे तक, मतलब 6 घंटा आपके पास है 20 मेगावाट, और यहाँ पे भी 6 से लेके 8 बजे तक मतलब 2 घंटा, 2 घंटा में भी आपके पास कितना है 20 मेगावाट, ये भी 20 मेगावाट है, ये भी 20 मेगावाट है, टोटल कितने घंटे हो गए, 8 घंटे। ठीक है, तो रात के 12 बजे से लेकर के सवेरे के 8 बजे तक मीन्स आप बोल सकते 0 से लेके 8 बजे तक आपके पास कितना मेगावाट है, 20 मेगावाट है। तो 0 से लेके 8 बजे तक आपको छाप देना है क्या, 20 मेगावाट। ठीक है, इस तरीके से अब 8 से लेके 12 बजे तक कितना मेगावाट दिया है आपका, 40 मेगावाट। ठीक है, ये 20 तक था, अब 8 से लेके 12 बजे तक मतलब ये आपका 8 से लेके 12 बजे तक कितना मेगावाट, 40 मेगावाट, तो 40 बना दिए यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही अब आपको क्या बनाना है, 12 से लेके 16 तक। ठीक है, ये आपका 20 मेगावाट था, फिर ये आपका 40 मेगावाट आ गया। ठीक है, फिर आपका 12 से लेके 16 तक मीन्स 4 घंटे आपके पास कितना मेगावाट है, 60 मेगावाट, तो ये हम लोग बना लेंगे 12 से लेके ये 16 तक।
60 मेगावाट का है ना, 16 तक ही आएगा 60 मेगावाट। फिर 16 से लेके 20 तक आपके पास कितना मेगावाट, 20 मेगावाट। तो ये जो आपका 60 वाला था उसको हम लोग डाउन कर देंगे कहाँ तक, 20 तक। तो ये आ जाएगा 20 तक, ये ऐसे, ठीक है। अब 20 से लेके 24 तक कितना मेगावाट, 50 मेगावाट। तो ये यहाँ से हम लोग वापस जाएंगे 50 पे, ठीक है, ये ऐसे, ये 50 मेगावाट, ठीक है। फिर 24 से लेके 6 तक कितना मेगावाट, 20 मेगावाट। तो फिर यहाँ से आपको यहाँ पे 20 मेगावाट मिला के ख़त्म कर देना है ना। तो इस तरीके से ये आपका टाइम ग्राफ बनेगा। अब ये जो आपका ग्राफ बना हुआ है इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा देंगे, ठीक है। क्योंकि आवर्स तो आपको पता है चल गया कि कितने आवर्स ये जो है वर्क कर रहा है, कितना मेगावाट है ना। तो सबसे हाईएस्ट है अपना, हाईएस्ट कितना है, 60 मेगावाट है ना। तो सबसे पहले हम लोग 60 को रिप्रेजेंट कर देंगे। कितने टाइम्स तक ये चला था, 12 से लेके 16 तक है ना, मतलब 4 घंटा। तो 0 से लेके 4 घंटे तक ये आपको 60 मेगावाट दिया। फिर 60 के बाद आपका हाईएस्ट कितना है, 50, ठीक है। तो ये चला है आपका 20 से लेके 24 तक 4 घंटा। तो फिर आपको 4 घंटा इसमें आगे बढ़ाना है, तो ये 4 घंटा मतलब 4 से लेके 8 बजे तक, ठीक है। तो ये जो है आपका 50 मेगावाट, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, इस 50 के बाद जो हाईएस्ट डिमांड है वो कितना है, 40 मेगावाट। ये कितने घंटा है, 4 घंटा है भी, ठीक है। तो ये 50 वाला जो लाइन था इसके बाद आपको 4 घंटा 40 मेगावाट रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब इसके बाद जो लास्ट बचा है ये है 20 मेगावाट का। तो ये जो 20 मेगावाट है वो है आपका 0 से लेके 8 तक, मतलब 8 घंटे आपको शो करना है, ठीक है। तो 8 घंटे तो इधर है और यहाँ पे और है आपका 20 से लेके 16 तक, मतलब 4 घंटा यहाँ पे, मतलब 8 घंटा ये और ये 4 घंटा ये, टोटल आपके पास 12 घंटा जो है कितना मेगावाट चलेगा, 20 मेगावाट। तो इसको ये 20 मेगावाट टोटल ये है आपका 12 घंटा चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये है ना। तो ये आपका क्या बन गया, लोड ड्यूरेशन कर्व। अब आपको क्या करना है, यूनिट जनरेटेड पर डे निकालना है। तो 20 मेगावाट था 8 घंटे, तो इसमें 20 मेगावाट ये 8 घंटे आप यहाँ से देख के लिख सकते हो। 40 मेगावाट 4 घंटे, ये 8 से लेके 12 तक आपका 40 मेगावाट था। ऐसी 60 जो है मेगावाट था 4 घंटे के लिए। तो जितने भी आपका लोड डिमांड है और टाइम के रिस्पेक्ट में आपको मल्टीप्लाइड करके सबको जोड़ लेना है, तो इससे आपका निकल जाएगा यूनिट जनरेटेड पर डे, ठीक है। तो ये है 840 मेगावाट आवर्स, ठीक है, सबका जो लोड है और प्लस उसमें मल्टीप्लाइड करना है आपको टाइम पे, ठीक है। तो इंडिविजुअल का दिया हुआ है तो सभी को आपको मल्टीप्लाइड करके एक साथ जोड़ देना है ना। तो इस तरीके से ये निकलेगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।